एक पत्नी ने अपने आशिक दे नाल मिलके अपने ही पति दा कतल करवा दिता है। हालांकि पहला तो साजिश रची जाती है एक्सीडेंट दी, पर जो एक्सीडेंट दे विच पति बच जाता है तो उस तो बाद दे विच जिसने एक्सीडेंट किया हुंदा वह व्यक्ति घर दे विच दाखल होके सीधा ही पति दे गोलियां मार दिंदा। हालांकि जो वह कातल नू जेल दे विच भेज दिता जाता है तो उसके 3 साल बाद कहा जा रहा है कि हुण इस घटना दे विच वड्डा खुलासा होया, जिस दे विच कहा जा रहा है कि जो मृतक सी उसकी पत्नी दे एक व्यक्ति दे नाल नजायज संबंध सी ते पति उन्हां दे प्यार दे विच रोड़ा बन रहा सी ते उसनू अपने रास्ते दे विचों हटाउण दे लई दोवां ने मिलके एक अजिही चाल चली जिसनू सुन के तुहाडे वी होश उड जाणगे। जी हां, सब तो पहला दोवां ने चाल चली कि ओह जो पति है उसनू एक्सीडेंट दे विच मरवा देणगे। तां सब तो पहला उस दे विच ट्रक मरवा दिता जांदा है। हालांकि जो उस दीआं टंगा टुट जांदियां ने उसकी जान बच जाती है तो वह जिवें ही अपने घर दे विच लेटिया हुंदा है तो जिस व्यक्ति दे वल्लों वह एक्सीडेंट किया हुंदा उह समझौता करन दे बहाने उन्हां दे घर पहुँचता है, पर वह घर दे विच समझौता नहीं करते, जिस तो बाद वह सीधा ही धमकी दे के फरार हो जाता है। जिस तो बाद 3-4 दिन बाद फिर वह आउंदा है अते उस तो बाद कहा जा रहा है कि उसने गोलियां मार के उसका कतल कर दिता। फिलहाल पुलिस ने उस कातल नू जेल भेज दिता, पर जदों मृतक का भरा आस्ट्रेलिया चला जाता है तो उसके वल्लों पुलिस नू एक मैसेज किया जाता है। मैसेज दे विच दावा किया जाता है कि जो एक कतल होया उसके पिछे कोई होर भी वजह है कि उसकी जो भाभी है हो सकता है उसके भी किसी नाल नजायज संबंध होण ते उस सब नू लैके यह साजिश रची गई होवे। जिस तों बाद पुलिस दे वल्लों जांच शुरू की जाती है तो उसके साफ हो जाता है कि जो मृतक की पत्नी है उसके एक शख्स के नाल प्रेम संबंध ने, जिन्हां ने दोवां ने मिलकर अपने ही पति नू रस्ते दे विचों हटाउण दी कोशिश कीती, पर जद ओह एक्सीडेंट दे विच पूरा नहीं होया तां उसनू गोलियां मार के मौत दे घाट उतार दिता। हालांकि हुण इस घटना दे विच पुलिस ने दोवां नू गिरफ्तार भी कर लिया गया, पर हैरानी वाली गल ए है कि जो व्यक्ति जेल कट रहा है जिसने शरेआम गोलियां मारियां सी उसदे वल्लों अपना एक भी मूँह नहीं खोलिया गया। इत्थों तक पुलिस ने दावा किया है कि जो पत्नी सी ओह अपने आशिक दे नाल अक्सर घूमती सी, मनाली दे विच भी घूमण गई सी, जिस तों उसदे देवर नू शक होया ते उसने आस्ट्रेलिया तो पुलिस नू वट्सएप दे उत्ते मैसेज किया ते इस दे विच जांच दी गुहार लगाई ते जदों जांच की गई तो उसदे विच सारा मामला साफ हो गया। तो खबर पानीपत तो सामने आई है कि विनोद पराड़ा का जो मर्डर है वो 2021 में 15 दिसंबर 2021 को इनका मर्डर इनके घर में ही किसी एक व्यक्ति ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी, और इसी मामले में मुकदमा नंबर 835 2021 का सिटी थाने का दर्ज हुआ था, जिसमें जो आरोपी था जिसका नाम देव सुनार बाद में मालूम चला था, देव सुनार वहीं पे मौके पे ही पकड़ा गया था और उसने अपना जुर्म कबूल किया। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने इनका मर्डर इसलिए किया है क्योंकि इससे पहले एक 657 नंबर 2021 का एक मुकदमा दर्ज था जिसमें एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बताया गया था कि देव सुनार की पिकअप ट्रक से विनोद बराड़ा का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में ये देव सुनार अरेस्ट हुआ था और बेल के बाहर था। तो देव सुनार ने अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में ये बताया कि उसने एक्सीडेंट के मुकदमे में समझौता करने की पेशकश की और समझौता नहीं करने की वजह से उसने विनोद बराड़ा का घर में जाके गोली मार के हत्या कर दी। और ये मामले में दोनों केसेस में एक एक्सीडेंट का केस था और दूसरा ये मर्डर का केस, इन दोनों में देव सुनार अरेस्ट हुआ और वो जेल के अंदर है अभी तक, और उसका जो केस है उसकी जो ट्रायल है उसकी जो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है वो अभी लगातार चल रही है। इसी बीच कुछ दिन पहले जो इसमें विनोद है इनके शायद ब्रदर है, इन्होंने मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज किया, उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसको मैंने वैसे देखा तो उसमें उन्होंने ये बताया कि ये ऐसा केस है जिसके अंदर उनको संदेह है और कह रहे हैं कि हमें काफ़ी दिन से संदेह है कि शायद इस मर्डर में और भी कुछ बात हो सकती है, क्योंकि केवल एक एक्सीडेंट का केस जिसमें समझौता कराने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट का एक केस है जिसमें तो सजा बहुत कम है, स्पेशली जिसमें तो व्यक्ति की डेथ भी नहीं हुई है, यदि डेथ भी हो जाती है तो भी बेलेबल ऑफेंस है, यहाँ तो डेथ भी नहीं हुई है केवल चोटें लगी थी, उस केस को समझौता करने के बहाना करके
उसमें समझौता नहीं करने की वजह से मर्डर करना, जिसमें मर्डर में तो उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है, फांसी की भी सजा हो सकती है, ऐसा करना उनको पच नहीं रहा था, उनके परिवार को भी नहीं पच रहा था। इस संबंध में उन्होंने शिकायतें दी, परंतु उनको लगा कि इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजे। मैंने उसकी फाइल है जो दोनों की केसेस की, वो इसको अध्ययन किया, उसमें डिटेल से देखा, और हमें भी जैसे है पुलिस को भी, हमें लगा कि इसमें कुछ ना कुछ बात और बात भी हो सकती है, इसलिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन CIA 3 को सौंपा गया और केस को डिटेल में डिस्कस किया गया। जब हमने केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो हमारे पास कुछ नई बातें सामने निकल के आने लगी। इसमें से सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने निकल के आई, एक तो ये निकल के आई कि देव सुनार है, इसका एक सुमित नाम के व्यक्ति से काफ़ी संबंध है। वो सुमित नाम के व्यक्ति ने ही इसको जो पहला जिस पिकअप ट्रक से जिसने एक्सीडेंट किया था, उस ट्रक को इसने दिलवाया था, और उसकी जो EMI है उसमें की इसने सुमित ने सहायता की थी। और दूसरा ये हमें ये भी समझ में आया और हमें पता चला कि निधि जो इसकी विनोद बराड़ा की वाइफ है, उसका और सुमित का भी आपस में काफ़ी मेल जोल है, वो संबंध है, और आपस में इनकी काफ़ी बातचीत भी है। इसके अलावा आसपास इनको बाहर घूमने जाना, होटल्स में जाना, मनाली और अन्य जगहों पर भी इनके घूमने फिरने की हमारे पास काफ़ी जो है इसके बारे में हमें सूचनाएँ प्राप्त हुई। इस दोनों चीज़ों को हमने क्लब करके इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए हमें ये बिल्कुल संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं इन दोनों का भी रोल हो सकता है। इसके अलावा हमने कुछ टेक्निकल इनपुट्स हैं वो भी हमने प्राप्त किए, और हमने हर चीज़ को बारीकी से देखा कि देव सुनार है, उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जेल में पैसे कैसे आ रहे हैं, इनके बच्चों की फीस कहाँ से आ रही है। इन सब चीज़ों का जब अध्ययन किया तब हमें स्पष्ट हो गया कि सुमित कुमार है वही सारा इसका हर चीज़ के बारे में जो खर्चा है सब चीज़ है ये सुमित ही इसका देव सुनार का देख रहा है, उसके वकीलों का खर्चा हर चीज़ देव सुनार का सुमित ही कर रहा था, और सुमित का इसकी वाइफ के साथ में संबंध है। और फिर हमने सुमित को कुछ अन्य इनपुट के आधार पर हमने सुमित को गिरफ्तार किया और 7 दिन का रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान उसने ये सारी चीज़ें बताई है कि ये जो एक्सीडेंट है वो भी महज एक एक्सीडेंट नहीं था, उनकी मंशा ये थी कि विनोद का इस एक्सीडेंट में इसका मर्डर किया जाए, और ताकि ये लगे कि ये एक एक्सीडेंट है, महज एक हादसा है, और यदि वो एक्सीडेंट में सफल नहीं हो पाए, उसमें केवल चोट लगी, उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो फिर इन्होंने फिर से निधि और सुमित और देव सुनार ने आपस में मिलके फिर से इसकी योजना बनाई। उन्होंने फिर एक गहरी साजिश रची कि पहले तो समझौते के नाम पर ये मिलते रहे, उसके घर की रैकी करते रहे, ये भी देखते रहे कि घर में कौन होता है, क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि उसका मर्डर किया जा सकता है। वो समझौते के बहाने 2 या 3 बार इसके घर पे गया, फिर इन्होंने इसके लिए हथियार का इंतजाम करके घर में घुस के उसने घर में जहाँ पे जिस रूम के अंदर, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो चुका था, ये चल फिर नहीं सकते थे विनोद बराड़ा, तो इनके घर में रूम में जाके अंदर से दरवाज़ा बंद करके 2 गोली मार के इनकी हत्या कर दी और मौके पर ही पकड़ा गया। परंतु वहाँ पे उसने कभी भी इन्वेस्टिगेशन पे भी ये सामने नहीं आया, न उसने अपना इसमें कबूल किया कि इस साजिश में उसकी विनोद बराड़ा की पत्नी और उसका जो उसका संबंध जिनसे है सुमित, उन दोनों के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी उजागर नहीं किया। तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया कि ये गहरी सोची समझी साजिश थी जिसके तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था, और अब हमने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। जो एक्सीडेंट का मुकदमा है उसमें भी हम धारा 307 ईजाद करेंगे, क्योंकि वो भी एक अटेम्प्ट का मर्डर है, पहले हम इसको एक्सीडेंट मान के चल रहे थे, अब एक 307 का मुकदमा जिसमें कंस्पिरेसी में निधि और सुमित भी होंगे, और साथ में एक मर्डर का मुकदमा, इसमें भी इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। तो दोनों मुकदमों में इन तीनों की गिरफ्तारी अब सुनिश्चित की जाएगी, और अन्य जो है जानकारी हम आगे भी इस पे काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत भी जुटाए जा सकें, और इसके अलावा अन्य कोई इसमें शामिल है तो उसके बारे में भी जान सोच कर। इसका मास्टरमाइंड देखा जाए तो सुमित है, क्योंकि सुमित की नज़र, क्योंकि ये जिम संचालक है, उसकी नीति के साथ में इसका अफेयर की हमारे पास सूचना आई है, परंतु उसकी नज़र इसके केवल अफेयर के अलावा इसके पैसों पे भी, संपत्ति पे भी थी, क्योंकि ये काफ़ी एक वेल सेटल्ड फैमिली से है विनोद बराड़ा, तो इनकी मृत्यु के बाद में सारा जो इनका पैसा है सब कुछ निधि के नाम पे आ गया था, कार्टून का सेंटर है या फिर और भी जो पैसे थे, जमीनें जो भी है इनकी, और वो इनको सारे को हड़पने की भी उसकी एक साजिश थी। निधि को इनके घर से गिरफ्तार किया गया। सर, ये विनोद की हत्या की क्यों गई, क्या उसे पता लग गया था वैसे मंदिर पर, या वो साथ रहना चाहते थे दोनों? नहीं, दोनों बातें थी इसमें। एक तो है कि जितनी हमारे पास सूचना आई है, इनको संबंधों के बारे में पहले पता भी लग चुका था, जिसकी वजह से इनके घर में तनाव भी रहा,
और इस तरह की सूचनाएं इनके घर में रही, इनकी तनाव रहा। विनोद ने इनको धमकी भी दी है, जिसके बाद में फिर उन्होंने अपनी साजिश को गहरा किया और तुरंत ये एक देवसुधा नाम के एक व्यक्ति को इन्होंने तैयार किया और उसके बच्चों के भरण पोषण की, उसके गाड़ी दिलवाने की, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उसने ली। परंतु इनका पहला प्लान फेल हो गया तो उन्होंने एक नई साजिश रची समझौते के नाम पे, उसके घर में जाके उनकी हत्या करवा दी। सुमित कुमार सोनीपत का रहने वाला है और देव सुनार है वो बठिंडा का रहने वाला है, वैसे शायद ये नेपाल का वासी है जो यहाँ पे आके बसा हुआ है। सर, विनोद की हत्या के बाद क्या निधि और सुमित इकट्ठे रह रहे हैं या वैसे नहीं? देखिए, हमारे पास, हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें हमारे पास काफ़ी ऐसे इनपुट आए हैं जिसमें साथ में मिलते रहे, आपस में बातचीत करते रहे हैं, और कुछ ऐसे हमारे पास होटल्स में इनके जाने के उनके बिल्स हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज है, वो सब हमने फाइल के अंदर इन्वेस्टिगेशन में की है। उसके अलावा भी हमारे पास और भी इनपुट आएंगे जिनको हम अनुसंधान के दौरान इनको ऐड करेंगे। सुमित यहाँ पे जिम का संचालक है और उसी जिम के अंदर निधि वहाँ पे जिम करने आती थी, तभी उनकी शायद मुलाकात हुई है और धीरे धीरे इनके आपस में रिलेशन हुए होंगे और उसके बाद ही इस घटना के बारे में उनको अंजाम देने की शायद सोची। सर, जैसे इस पे पैसा काफी था क्या, कुछ पैसा भी बांट लिया उन्होंने आपस में, निधि ने उसको पैसा दिया? अभी तक की जितनी आई है उसमें निधि ही सारा पैसा, जितना भी खर्च होना होता है इनका, सारा निधि के माध्यम से ही किया जा रहा था। गाड़ी का खर्चा हो, इस मर्डर के लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा ये इसको देव सुनार को दे चुके थे, साथ में इसके बच्चों की फीस है वो सब भी इनको लगातार दिए जा रहे हैं और कैश में भी काफी ट्रांजेक्शन किए हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा है वो निधि के द्वारा ही इसमें खर्च किया जा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है गाड़ी जो निधि ने सुमित को लेके दिया और 25 लाख रुपए की शॉप खुलवा के दी थी जो जिम के प्रोडक्ट होते हैं। हाँ, देखिए, इसमें मैंने जैसे पहले ही बताया कि सुमित का एक अन्य एक अलग मोटिव ये भी था कि जितना भी पैसा है उसका भी वो प्रयोग कर सके, तो इसलिए अपना अपने खाने करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को यूज़ करना, गाड़ी का यूज़ करना, अपने बिजनेस को सेटअप करना, इस सब के अंदर वो इसका प्रयोग कर रहा था। सर, विनोद का एक इंश्योरेंस भी बताया? हाँ, देखिए, इसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी की भी बात आई है, लेकिन जब वो फाइल में इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी तब हम आपको स्पष्ट तौर पर बता पाएंगे कि क्या वो भी एक मोटिव था। इसमें कुछ हमारे पास आए हैं परंतु पूरे डॉक्यूमेंट आने के बाद ही हम इसको कंफर्म कर पाएंगे। सुमित निधि दोनों गिरफ्तार हो चुके, सुमित निधि और देव सुनार ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा अन्य कोई यदि इसमें सम्मिलित है उसके बारे में भी हमें प्रयास किया जाए कि मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें दो मुकदमे दर्ज हुए हैं, 302 के मुकदमे में गिरफ्तार हो चुके, 307 का भी, क्योंकि हमने पहले इनका एक अटेम्प्ट टू मर्डर को केस में कन्वर्ट कर दिया एक्सीडेंट को, उसमें ये फिर से भी गिरफ्तार हो गए, उसमें 120 भी लगेगी, उसमें भी 120 भी लगेगी, 302 का मुकदमा, इसमें भी 120 लगेगी, लेकिन ये तीनों लोग दोनों मुकदमों में गिरफ्तार हो गए। सर, इसको हथियार भी इन्होंने उपलब्ध कराया? हाँ, हथियार, इसमें एक अन्य व्यक्ति का नाम भी सामने आया है जिसको भी हम जल्द गिरफ्तार करेंगे, जिसके साथ जाके हथियार के लिए पैसे इन्होंने दिए, और देव सुनार और एक अन्य व्यक्ति है वो हथियार यूपी से कहीं से लेके आए हैं, जिसके बारे में हमारे इन्वेस्टिगेशन में हम इस चीज को क्लियर करेंगे। सर, क्योंकि दो साल से ज्यादा हो गए कि इंसान करीब हो चुके हैं, इस बीच क्या परिवार ने कभी पुलिस से संपर्क नहीं किया संदेह होने पर, निधि पर संदेह है, या क्या ढूंढ रही हूँ? देखिए, इनके जो ब्रदर है, जब इन्होंने मुझे मैसेज किया तब उन्होंने ये भी बताया कि मैंने काफी कंप्लेंट पुलिस में दी है जिसमें शायद उस पर उतना डिटेल में इंक्वायरी नहीं हो पाई, तभी इनको ये बार बार सकता, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप मैसेज भेजा, इंटरनेशनल नंबर से आया, तो मैंने शुरू में मैंने भी इतना ध्यान से नहीं देखा, बट फिर जब मैंने इसको डिटेल में देखा तो हमें भी शक हुआ, क्योंकि ये इतना सिंपल केस नहीं लग रहा था, केवल एक्सीडेंट के लिए मर्डर करना इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए, और इस तरह से किसी के घर में घुस के, रूम के अंदर घुस के, बेडरूम में घुस के मर्डर करना इतना आसान कार्य नहीं है, तो फिर हमारा थोड़ा जो संदेह है वो और प्रगाढ़ हुआ। फिर हमने इन अन्य पहलुओं पर काम करना स्टार्ट किया, देव सुनार की जो फाइनेंशियल डिटेल निकाली, इसकी कुंडली खंगालने चालू की, तब हमारे पास से अच्छे क्लूज आने लगे। सर, एक आखिरी सवाल, देव सुनार को कितना रुपये मिला था इस मर्डर? अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से 10 लाख रुपए से ज़्यादा अभी तक मिल चुका था। इसके अलावा इसके वकीलों के खर्चे, इसके बच्चों के पढ़ाई के खर्चे, सब कुछ खर्चे ये जो सुमित दीदी है उन्हीं के द्वारा बयान किए जा रहे थे। सर, इससे ज्यादा करके मेरा एक प्रश्न है सर, जो बैंक का झूठ हुई है उसको लेकर क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ उस मामले में चला? देखिए, इस मामले में हमने 6 टीमें गठित की है और हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग भी लगे हैं, क्योंकि एक मोटरसाइकिल है वो उन्होंने वहीं पे मौके पे छोड़ के चले गए थे, वो मोटरसाइकिल भी गन्नौर से इन्होंने पिस्तौल के दम पे लूटी गई है, और उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लू आ चुके हैं, इसका भी हम जल्द ही पटाक्षेप कर लेंगे।